नमस्कार, आप सभी का न्यूज पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। पूर्णिया के पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की हत्या कर दी गई थी, वो भी सरेआम। इस केस में लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां हमने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से लेसी सिंह के भतीजे पर बिल फाड़ा गया, उन्हें आरोपी बनाया गया है और उनके घर के बाहर इश्तहार चिपकाया गया है। सभी आरोपियों के घर के बाहर इश्तहार चिपकाए गए हैं क्योंकि वो फरार हैं फिलहाल, और इसको लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। जो अपडेट है हम आपको बताते हैं। तो दरअसल इस मामले में पूर्व जिला पार्षद की पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि लेसी सिंह के भतीजे भी इस कांड में शामिल हैं, साथ ही साथ लेसी सिंह भी षड्यंत्रकारी के लिस्ट में शामिल हैं, जिसको देखते हुए लगातार पुलिस जो है केस आगे बढ़ा रही है और सभी बिंदुओं से जांच बड़े स्तर से शुरू हो गई है। क्योंकि पूर्णिया का मामला काफी प्रकाश में आया क्योंकि बहुत ही बड़ा मामला था, क्योंकि 12 नवंबर की देर शाम 6 बजे उनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि 5 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस अब मुख्य आरोपी तक तो नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इसको लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अटिया की गिरफ्तारी के लिए बिहार के कई जिलों के साथ साथ यूपी में भी छापेमारी चल रही है। पुलिस की टीम ने पटना से लेकर यूपी के कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन अटिया का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ये मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इनका असली नाम जो है वो आशीष कुमार है। टेक्निकल सेल की तरफ से लगातार आशीष के मोबाइल जो है वो ट्रैक किए जा रहे हैं, लोकेशन के जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो 24 घंटे के बाद मुख्य अभियुक्त आशीष सिंह उर्फ अटिया ने मोबाइल का उपयोग करना बंद कर दिया। टेक्निकल सेल की टीम ने पटना, भागलपुर और उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर संदिग्ध मोबाइल नंबर पर आशीष सिंह के बातचीत करने का सुराग हाथ लगा और इसके बाद से लगातार इसके लेकर जो है छानबीन शुरू हो गई। और हत्याकांड के दूसरे नामजद जो है अभियुक्त के कुछ रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि शायद ये लोग उत्तर प्रदेश भाग गए हैं। उधर रिंटू सिंह के परिवार वाले लगातार मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लगा ही रहे हैं। लेसी सिंह ने भी अपने पक्ष में कई बातें कही थी, लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। यह आरोप जो है रिंटू सिंह की पत्नी और उनके परिवार वाले लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार सरकार पर हम कैसे भरोसा करें, क्योंकि सरकार में बैठे मंत्री ने ही रिंटू सिंह की यानी कि मेरे पति की हत्या की साजिश रची है। तो इस मामले में लगातार अब अपडेट्स सामने आ रहे हैं और भी जो अपडेट होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।